जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद है आप सभी बहुत मस्त होंगे, अपनी एग्जाम की तैयारी को आसान तरीके से पूरा कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मानसून के बारे में। तो मैंने सोचा क्यों ना, इस समय चल रहा है मानसून का सीजन, तो क्यों ना आप लोगों को मानसून ही पढ़ा दिया जाए। और मानसून भी आप लोग के एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे आपके एग्जाम में प्रश्न जो कि पूछे जाते हैं, और 100% इससे प्रश्न जो कि आते ही हैं। तो कोई भी एग्जाम हो, उससे आपके प्रश्न जो है आपको पूछे जाएंगे मानसून से। तो आइए इसको समझते हैं और बहुत इजी तरीके से समझेंगे। तो बस आपको ध्यान से देखना और समझते चलना है, और मैं गारंटी देता हूँ, बस आप मुझे 10 मिनट दे देते हैं तो मैं आपको एकदम मानसून जो है वो एकदम आसान तरीके सिखा दूंगा कि मानसून जो है वो क्या होता है, कैसे आता है, कहाँ पे जाता है, सब आपको क्लियर हो जाएगा। तो आइए इसको समझते हैं और बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे। तो बस आपको वीडियो को ध्यान से देखना है और समझते चलना है। तो चलिए फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो समझते हैं यहाँ पे मानसून के बारे में। सबसे पहले हम समझेंगे मानसून। मानसून यहाँ पे हेडिंग है, तो पहले मानसून के बारे में हम समझेंगे कि मानसून आखिर होता क्या है। तो देखिए भाई, सभी लोगों ने आसमान में कभी ना कभी बादल उदल को देखा ही होगा। तो बादल आपने देखा है, तो देखिए उसमें आप कभी कभी किसी किसी बादलों को देखते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि ये बादल जो है वो वर्षा कराएंगे। यानी कभी कभी आप मतलब गांव में हमें जैसे किसान वसान होते हैं, देखते हैं तो भाई लगता है कि हाँ भाई ये बार बादल जो है वो वर्षा कराएगा। ये बादल वर्षा नहीं कराएगा, ये वाला कराएगा जरूर से। तो अब देखेंगे हाँ भाई ये वाला जो बादल है वो वर्षा जरूर कराएगा। यानी कई सारे बादलों में एक बादल जो होता है वो वर्षा कराता है। तो जो वर्षा कराने वाले बादल होते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, मानसून कहते हैं। यानी जिनमें पानी भरा होता है, जिन बादलों में पानी भरा होता है। वैसे तो सभी बादलों में पानी भरा होता है, लेकिन पूरे मतलब बढ़िया तरीके से नहीं भरा होता है, क्योंकि बादल जो है पानी से ही तो बनते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि मतलब जिसमें ज्यादा पानी होता है वही बादल जो होते हैं तो वो वर्षा कराते हैं। तो भाई वर्षा देखिए कैसे कराते हैं। तो देखिए वर्षा जो होता है, देखिए जब वही हमारा बादल जो होता है जिसमें पानी भरा होता है बादल, वही हमारा बादल जब किसी हमारे पहाड़ से आकर के टकराता है, जब पहाड़ से आकर के टकराएगा, यानी मान लीजिए इधर से हमारे बादल जो है खूब यहाँ पे आ रहे हैं और आकर के एकदम घूमते घूमते आ रहे हैं सब, सब चलो चलो घूमते घूमते जा रहे हैं सब, आकर इस पर धड़ाक से, ठीक है, धड़ाम से इस पर आकर लड़ेंगे सब। और जितना भी पानी होगा इन सबका, और जब एकदम पास में आएंगे सब, जब इस पर कुल लड़ेंगे सब, तो यहाँ पे दबाव बनेगा, दबाव बनेगा तो एकदम मतलब कि इस पर इतना दबाव बनेगा कि जो भी पानी होगा सब यहाँ पे गिर जाएगा। यानी जो यहाँ पे पानी होगा वो यहाँ पे सब पानी जो होगा वो यहाँ पे गिर जाएगा। यानी यहाँ से आया बादल और पानी लेकर के यहाँ पे लड़ा पहाड़ पे, और लड़ करके सब गिर गया वहीं पे। तो गिर गया जब, तो ये हमारे क्या हो गया, वर्षा हो जाता है यहाँ पे। यहाँ पे हमारे क्या होगा, वर्षा हो गया। यानी ये हमारे जो बादल है यानी जो मानसून है ये हमारे वर्षा करा दिए। तो यहाँ पे जहाँ पे वर्षा होती है इसको हम कहते हैं वर्षाभिमुखी। ठीक है, वर्षाभिमुखी, सुन क्या कहते हैं, वर्षाभिमुखी। यानी जहाँ पे बारिश होता है यहाँ पे आके के बादल लड़ते हैं और यहाँ पे बारिश हमारे के होते हैं, तो उसके पहाड़ के इस साइड में क्या होता है हमारा, वर्षाभिमुखी। और जहाँ पे मतलब कि वहाँ पे केवल छाया रहता है यानी शैडो होता है, यानी जो हमारा मतलब कि बादल क्यों यहाँ पे शैडो बनता है। ठीक है, यहाँ पे मतलब वर्षा उतनी नहीं होती है जितना होना चाहिए, मतलब बहुत ही हल्का फुल्का। तो हल्का फुल्का भाई बारिश क्या होता है, कुछ नहीं होता है, तो मान लेते हैं भाई नहीं होती है। ठीक है, तो इसके इस बगल वाले क्या होता है कि बारिश नहीं होता है, तो इसको हम बोलते हैं वृष्टि छाया। वृष्टि छाया, यानी बादल हमारा मानसून इधर से आया, पहाड़ पे टकराया, पहाड़ टकराने के बाद हमारे यहाँ पे वर्षा करा दिया, इसको हम यहाँ पे बोलेंगे वर्षाभिमुखी। और इस साइड में जो हमारा शैडो बनता है, ठीक है, शैडो जो हमारा बनेगा इसको हम बोलेंगे यहाँ पे वृष्टि छाया। यानी उसी का हमारे यहाँ पे जो मतलब थोड़ा बहुत यहाँ पे बनेगा वहीं पे शैडो बन जाएगा, यानी इधर हमारा वर्षा नहीं होगा, यह बस केवल समझ लीजिए। तो अब हम यहाँ पे समझते हैं, ये आपको समझ में आएगा कि मानसून आखिर होता क्या है, ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम समझते हैं मानसून के बारे में कुछ और विशेषताएं हैं उसको यहाँ पे जानते हैं। तो चलिए अब समझते हैं थोड़ा सा मानसून के बारे में। तो देखिए मानसून जो शब्द है, ये जो हमारा मानसून आप शब्द देख रहे हैं, ये हमारा एक अरबी भाषा का शब्द है। ठीक है, कैसा भाई शब्द है, तो ये हमारा एक अरबी भाषा का शब्द है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं अरबी भाषा का शब्द है, यानी जो मानसून है हमारा कौन सा भाई, तो यहाँ पे अरबी भाषा का, अरबी भाषा का हमारा शब्द है। ठीक है, मानसून जो है हमारा शब्द वो किस भाषा का शब्द है, तो अरबी भाषा का शब्द है। मानसून का अर्थ ही हमारा होता है कि दिशा बदलने वाली पवन, यानी जो पवन दिशा बदलती है उसी को हम बोलते हैं मानसून। यानी मानसून जो होती है वो दिशा बदलने वाली पवनों को क्या कहते हैं, मानसून कहते हैं। लेकिन अगर आपसे यहाँ पे पूछ देगा कि मानसून की सबसे पहले खोज किसने की है, तो मानसून की जो खोज है वो सबसे पहले हिप्पोलस ने सबसे पहले मानसून की जो है कि खोज की है। लेकिन आपसे बोल देगा कि जो मानसून आप शब्द यहाँ पे देख रहे हैं, जो लिखा हुआ है मानसून, इसका शब्द मतलब कि ये जो शब्द मानसून लिखा उसको मतलब किसने दिया है, तो जो शब्द वहां पे लिखा गया है उसको अल मसूदी, यानी सबसे पहले खोजा किसने, तो हिप्पोलस ने खोजा है। मानसून क्या होता है,
लेकिन वो जो नाम है मानसून जो यहाँ पे लिखा गया है वो नमा किसने दिया है, तो यहाँ पे अल मसूदी ने दिया है, यानी आप याद रख सकते हैं अल मसूदी, मसूदी मतलब कि मानसून, म से मसूदी, म से मानसून, यानी मसूद अल मसूदी ने क्या किया है ना कि इसका किताबों में वर्णन किया है। तो वर्णन अगर आपसे पूछेगा कि मानसून शब्द का वर्णन जो है वो किताबों में किसने किया है, तो यहाँ पे अल मसूदी ने किया है। लेकिन खोज अगर बोल देगा कि मानसून की खोज जो है किसने किया है, तो हमारे यहाँ पे हिप्पोलस जो की हो जाएगा। क्लियर हो गया, ये हमारा अरबी भाषा का शब्द है। ओके आगे इसमें बढ़ते हैं, इतना आपको एकदम समझ लेना। ओके चलिए अब हम समझते हैं पे मानसून के बारे में और थोड़ा बहुत समझते हैं इसमें। देखिए तो अब हम इसमें समझते हैं, जैसे कि देखिए अभी मैंने आपको यहाँ पे बताया कि ये जो हमारे यहाँ पे लड़ता है और यहाँ पे जो बादल आके यहाँ पे सब यहाँ पे लड़ जाता है और यहाँ पे आकर के बारिश कर रहता है, तो जहाँ पे बारिश होता है इसको हम यहाँ पे बोलते हैं, जहाँ पे देखिए यहाँ पे आकर के लड़ेगा ना तो यहाँ पे बहुत ही मूसलाधार बारिश होगी, इतना तेज बारिश होगा ना यहाँ पे कि इसको निच्छालन की प्रक्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? निच्छालन, यहाँ पे लिख देते हैं हम आपको निच्छालन। ठीक है, यहाँ पे कौन सी वही प्रक्रिया होगी, तो यहाँ पे निच्छालन होगी, निच्छालन, निच्छालन। ठीक है, कौन सी प्रक्रिया होगी, तो निच्छालन बोलते हैं या फिर इसको लीचिंग भी कहते हैं। ठीक है, या मतलब इसी को इंग्लिश में लीचिंग, लीचिंग, इसको निच्छालन या लीचिंग की प्रक्रिया बोलते हैं, यानी जो यहाँ पे बारिश होती है इसको हम निच्छालन या लीचिंग की प्रक्रिया बोलते हैं। और इसमें क्या होता है कि जब बारिश होता है, आप देखते भी होंगे जब बारिश होती है तो मतलब बहुत ज़्यादा होता है ना, तो वहाँ पे क्योंकि बारिश होने के कारण जो बड़े बड़े जो कंकड़ पत्थर होते हैं ना वो ऊपर ऊपर दिखाई देने लगते हैं, एंड जो भी हमारे यहाँ पे छोटे मोटे जो मतलब समझ लीजिए कि जो धूल धक्कड़ होते हैं वो सब अंदर बैठ जाता है नीचे, और जो भी यहाँ पे बड़े बड़े कंकड़ पत्थर होते हैं वो हमारे ऊपर की तरफ दिखाई देने लगते हैं। अब जो वही दिखाई देने लगते हैं ना तो उनको क्या कहते हैं, मतलब कि ये जो हमारी यहाँ पे इसको हम बोलेंगे यहाँ पे लैटेराइट मिट्टी। ठीक, मतलब कि जब कंकड़ पत्थर जब ऊपर दिखने लगते हैं तो वहाँ पर उस जगह पर हमारा जो कि मतलब कि बागानी खेती मतलब बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होती है, यानी जैसे कि बागान में क्या लगा देता है हमारे यहाँ पे चाय लगाया जाता है, जो कि समझ लीजिए चाय मसाला और काजू की खेती। ठीक है, ये सब हमारा बहुत ही मतलब बढ़िया होता है ऐसे मिट्टी में, तो इस ऐसे मिट्टी को हम कहते क्या है, तो इसको हम लैटेराइट मिट्टी कहते हैं। क्या कहते हैं? तो यहाँ पे हमारी जो मिट्टी होगी यानी जो हमारे पे कंकड़ पत्थर दिखाई देने लगेगा थोड़ा थोड़ा ऊपर ऊपर, और जो मिट्टी होगी वो बैठ जाती है, तो यहाँ पे हमारा इसको लैटेराइट मिट्टी कहते हैं। ठीक है, लैटेराइट, लेटराइट मिट्टी जो होती है वो हल्का लाल कलर का होता है, हल्का लाल कलर का होता है, और इसमें जो होता है ना आयरन ऑक्साइड की मात्रा बहुत ही ज़्यादा होती है, जिसके कारण इसके मतलब कि यहाँ पे अगर कुछ भी अगर आप बागानी खेती करेंगे जैसे चाय हो गया, कॉफ़ी मतलब कि कॉफ़ी भी हो गया, और यहाँ पे काजू हो गया, ये सब जो चीज़ें हैं मसाला हो गया, तो यहाँ पे बहुत ही जाके बढ़िया एकदम मतलब होता है। ठीक है, तो अभी आपको हम बताएंगे इसमें जो कि हमारे कहाँ पे होता है, तो बस आपको एक क्लियर हो गया होगा। और आपको पता है कि मसालों की खेती सबसे ज़्यादा कहाँ पे होती है, तो यहाँ पे हमारा जो कि केरल में होता है सबसे ज़्यादा, क्या होता है केरल में चाय मसाला सबसे ज़्यादा। ठीक है, तो ये आपको क्लियर मतलब इतना बात आपको समझ लेना है। अभी हम समझेंगे कि मानसून आखिर जाता कैसे है, फिर लौट के आता कैसे है, सब एकदम समझेंगे कि भारत में मानसून कैसे जाता है कैसे आता है, एकदम आपको आसानी से क्लियर हो जाएगा, बस आप ध्यान से समझते चलिए, अभी तक तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं हुआ होगा। ठीक है, आगे से बढ़ते हैं, तो ये आपको समझ में आएगा होगा ये हल्के लाल रंग का होता है लैटराइट मिट्टी कैसा होता है भाई, तो हल्के लाल रंग का, आपसे पूछ सकता है कि लैटराइट मिट्टी कैसा होता है, तो हल्के लाल रंग का, हल्का यहाँ पे लिख दीजिए। ठीक है, आप समझ जाइएगा हल्का लाल रंग का। ओके, तो इतना आपको एकदम क्लियर कर लेना है, इतनी बातें आपको समझ लेनी है। अब समझते हैं कि भाई जो हमारे यहाँ पे अगर मानसून जो होता है वो भारत में भाई आता कैसे है और कैसे कैसे मतलब इसमें बारिश वारिश होता है। ठीक है, उसको हम समझ देंगे क्योंकि इस समय बारिश का सीजन चल रहा है आपका यहाँ पे जून जुलाई। ठीक है, सब यहाँ पे बारिश ही होगा, तो चलिए इसको समझते हैं। तो देखिए बारिश वाली बात अगर करते हैं तो देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा, यहाँ पूरा हमारे समझ लीजिए कि इंडिया का मैप है, मतलब कि इंडिया तो ये हमारे बीच में है, ये हमारा पूरा विश्व का मैप है, समझ लीजिए विश्व में आप यहाँ पे बीच में देखेंगे तो यहाँ पे हमारा बीच में आता है विषुवत रेखा, और यही विषुवत रेखा क्या करती है कि हमारे मतलब कि पूरे पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है, यानी ऊपर वाला जो हमारा हिस्सा होगा ये हमारा उत्तरी गोलार्ध हो जाएगा, नीचे वाला हिस्सा जो होगा हमारा दक्षिणी गोलार्ध हो जाएगा, यानी विषुवत रेखा, या फिर आप इसे कर लीजिए भूमध्य रेखा, यानी भूमध्य, यानी भू को दो बराबर भागों में बांटने वाली, यानी भू को एकदम मध्य से बांटने वाली, तो उसको भूमध्य रेखा भी कहते हैं या फिर विषुवत रेखा भी कहते हैं, या इसको पृथ्वी को दो भागों में बांटती है, तो उत्तरी गोलार्ध या दक्षिणी गोलार्ध, इतना क्लियर। अब देखिए अब इसी के ऊपर हमारा ये तो हमारा 0 डिग्री पे होता है, ओके उसके ऊपर देखेंगे तो यहां पे हमारा होता है 23 डिग्री, यानी 23.5 डिग्री हमारा कर्क रेखा, यानी कर्क रेखा पे ही हमारा कर्क रेखा जो है भारत के एकदम बीचों बीच से होकर के जाती है। अब भाई कर्क रेखा जो है वो 23.5 डिग्री किस पे है भाई, तो उत्तरी गोलार्ध में है। ठीक है, 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में, और यहाँ पे 66.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में कौन सा है, तो हमारा मकर रेखा है।
66.5 डिग्री जो है उन्होंने दक्षिण में उपस्थित है, ठीक है, दक्षिणी गोलार्ध में। तो ये आपको क्लियर कि कर्क रेखा कहाँ पे है, मकर रेखा कहाँ पे है। अब समझते हैं कि जो कर्क रेखा है, अब देखिए मेनली हमको पढ़ना क्या है, हमको भारत के बारे में पढ़ना है, भारत में मानसून को देखना है, तो हमको इधर की कोई जरूरत ही नहीं है, हम इधर के बारे में बात करते हैं। तो देखिए इसमें आपको समझना क्या है कि सबसे पहले कर्क रेखा जो है वो कितने राज्यों से होकर जाती है, तो ये 8 राज्यों से जाती है। तो इसको हम आपको बाद में बता देंगे जब आपको भौगोलिक सीमाओं के बारे में बताएंगे, ठीक है, यानी भौगोलिक उसकी स्थिति के बारे में जब बताएंगे तो आपको इसको बता देंगे। तो अभी आप केवल समझिए कि कर्क रेखा हमारे जो कि बीचों बीच से जाती है और ये भारत को 2 बराबर भागों में जो कि बांट देती है। तो इतना आपको क्लियर हो गया। अब देखिए मानसून जो होता है वो आता कैसे भाई, तो देखिए जो सूर्य होता है, यानी जो सूर्य है, सूर्य आपको पता ही है कि भाई सूर्य बहुत ही चमकीला है, बहुत ही तेज चमकता है भाई, एकदम वो एक जगह तो फोकस मारता नहीं है, पूरे विश्व में इस तरह से फोकस को मारता है। तो देखिए फोकस जब मारता है तो जब हमारे यहाँ पे सूर्य जो है वहाँ विषुवत रेखा पर यानी 0 डिग्री पे जब होगा तो हमारे यहाँ पे कब भाई होता है, तो यहाँ पे 0 डिग्री पे जब होगा हमारा कब होता है, तो मार्च में, ठीक है, मार्च में हमारा होता है। और जब मार्च में होता है और एक हमारे कब होता है, सितंबर में, ठीक है, सितंबर में जब उधर से लपट के आता है तो हमारे सितंबर में, यानी मार्च में जब हमारे इधर से जाएगा तो मार्च में पड़ेगा और इधर से जाएगा तो सितंबर में। तो अब यहाँ पे देखिए मार्च में सितंबर में, अब जब इससे हमारा सूर्य जो है धीरे 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 जब ऊपर की ओर जाएगा तो जून आते आते यानी जून में हमारे कहाँ पे पहुंच जाता है, तो हमारा भारत में पहुंच जाता है, यानी जून में हमारा आता है भारत में। और यहाँ पे जो नीचे हमारे यहाँ पे दिसंबर में, ठीक है, दिसंबर में यहाँ पे हमारे कहाँ पे पहुंचता है, तो मकर रेखा पर, यानी मकर रेखा पर दिसंबर, फिर जनवरी फरवरी मार्च में ही आ जाएगा बीच में, उसके बाद से यहाँ पे मार्च के बाद अप्रैल मई जून यानी 3-3 महीने पे हमारे यहाँ पे आ जाता है, तो जून में हमारा आ जाएगा एकदम यहाँ पे। अब भाई जहाँ पे एकदम सूर्य होगा वहाँ पे होगा एकदम भयानक गर्मी। अब जब भयानक गर्मी होगा तो वहाँ का क्या होगा, तापमान एकदम टेम्परेचर जो कि बढ़ जाएगा। टेम्परेचर बढ़ने के कारण क्या होगा कि यहाँ की जो भी, देखिए क्योंकि आपको अब इसमें हम दिखा दे रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए ये सारी चीज जो है वो हमारा क्या है, अरब सागर है, ठीक है, क्या हमारा अरब सागर है, इससे हमारा बंगाल की खाड़ी, इससे हमारा हिंद महासागर, तो अरब की सागर जो है वो हमारा पूरा सागर ही यानी पानी है। तो पानी जो है जब उसमें हम एकदम मतलब कि तेज रोशनी जब जलाएंगे यानी जब सूर्य का प्रकाश उसमें पड़ेगा भयानक प्रकाश, तो क्या होगा वो एकदम मतलब कि गर्म होकर के ऊपर की तरफ उठने लगेगा, एकदम जलकुल उठने लगेगा। यानी जब हमारा सूर्य जो है इधर की ओर जाएगा यानी जून के महीने में जब हमारे यहाँ पे आएगा तो एकदम जो मतलब कि एकदम सूर्य जो होगा एकदम मतलब कि कड़कती धूप हो जाएगी और यहां पर हमारे क्या होगा कि जो भी यहां पे पानी होगा मतलब कि यहां से देखिए जब पानी होनी होगा तो यहां पे उठने लगेगा यानी जो पानी का मतलब कि जो वाष्प बन के उड़ने लगता है ऊपर की तरफ। अब जब उड़ेगा तो देखिए मान लीजिए कि यहां से हमारा ये जो कि समुद्र है यानी जो सागर है, तो मान लीजिए यहां से हमारा इस पे सूर्य का प्रकाश पड़ा, यहां पे इस प्रकार से सूर्य का प्रकाश पड़ा, यहां पे सूर्य है, सूर्य का प्रकाश पड़ा और पड़ने के बाद हमारे यहाँ पे जो भी यहाँ पे इसके बीच में जो भी यहाँ पे मतलब कि पानी को वाष्प बना करके उड़ा देगा, तो जब वाष्प बन के यहाँ पे उड़ेंगे सब उड़ जाएगा तो यहाँ पे जो जगह है हमारा खाली हो जाएगा यानी वहाँ की जो स्थान है वो खाली हो जाएगा। तो जब स्थान खाली हो जाएगा तो उसको भरने के लिए कोई ना कोई तो चाहिए भाई, भरने के लिए भाई कोई स्थान चाहिए ना, क्योंकि खाली तो हो नहीं सकती है, सब चीज़ें भरा ही रहना चाहिए। तो यहाँ पे अब इसको भरने के लिए आसपास की जो हवाएं होंगी सब इसमें क्या करेंगी, आने लगेंगी, ठीक है। और फिर क्या होगा जब आसपास की हवाएं जब आएंगी तो यहाँ पे क्या होगा, जब हवा इस तरह से जाती है तो अब हवा बहने लगेगा इस तरह से, तो यहाँ पे आसपास की हवाएं आकर के यहाँ पे भरेंगी, ठीक है। तो अब देखिए क्या होगा इसमें कि जब यहाँ पर हमारे क्या होगा कि यहाँ पर जब सब चीज उड़ जाएगा यहाँ पे मतलब कि जो वाष्प बन के उड़ जाएगा यहाँ पे पानी, तो क्या होगा यहाँ पे जब हवाएं होंगी इधर से हमारी आती है हवाएं यानी हमारे जो किधर से आती है भाई, तो हमारे नीचे से आएंगी यहाँ पे अरब सागर की इधर से आएंगी और इधर से जब आएंगी सारी की सारी हवाएं यानी सब इधर से आएगा, इसको मिटा दे रहे हैं, इधर लिख दे रहे हैं सेप्टेम्बर, सब हमारा हवा किधर से आएगा तो इधर से आएगा, ओके, सब हमारे यहाँ पे आएगा तो इधर से आएगा और आने के बाद देखिए यहाँ पे आएगा और यहाँ के स्थान को क्या करेगा, भरने की कोशिश करेगा, क्योंकि यहाँ पे स्थान जो है खाली हो गया भाई, कैसे खाली हुआ है, क्योंकि हमारे यहाँ पे सूर्य का प्रकाश पड़ने के कारण वहाँ के जो कि जल जो है वो वाष्प में बदल गया और वहाँ पे उड़ गया, खत्म हो गया। तो अब यहाँ पे आएगा सब हवाएं कहाँ पे आएंगी, तो यहाँ पे आएंगी और हवा आने के बाद अब जैसे ही यहाँ पे हवाएं आएंगी तो अब यहाँ पे लग जाएगा फेरल का नियम। फेरल का नियम भाई क्या कहता है, फेरल बहुत ही मतलब कि देखिए जो नियम है फेरल का ये क्या कहता है, फेरल कहता है ना कि देखिए ये हमारा क्या है बीच में, तो विषुवत रेखा है, ये हमारा उत्तरी गोलार्ध, ये हमारा दक्षिणी गोलार्ध। तो ये फेरल का जो नियम है वो कहता है कि उत्तरी गोलार्ध में जो हवाएं होती है यानी हवाओं की जो दिशा होती है वो दाएं की तरफ, यानी जैसे हम इधर की ओर खड़ा हूँ तो हमारा क्या है ये दाया है, यानी दाएं की तरफ, जैसे ये हमारा है तो हवा इधर की ओर जा रही है तो उत्तरी गोलार्ध में दाएं की तरफ और दक्षिणी गोलार्ध में बाएं की तरफ जो कि मुड़ जाती है, मतलब कि
दक्षिणी गोलार्ध में रहेगी तो हमारा बाएं की तरफ मुड़ेगा, और यहाँ पे उत्तरी गोलार्ध में रहेगी तो हमारा दाएं की तरफ इधर की ओर मुड़ जाएगा, क्योंकि इसको जाना चाहिए एकदम सीधे, लेकिन हमारा क्या हुआ है, फेरन का नियम लग गया है। और यही हवा जो है, जब सब में यहाँ पे हवा यहाँ पे जाएगी तो यहाँ पे जो खाली स्थान है इसको भरेगी, और जो भी वाष्प बन के उड़ रहा है सब क्या बनेगा, वहाँ पे बादल बनेगा। ठीक है, जब बादल वहाँ पे बनेगा तो सब हवाएं जो है फेरल के नियम के अनुसार यहाँ पे दाएं की तरफ मुड़ जाएंगी उत्तरी गोलार्ध में, और जब मुड़ेंगी तो आ करके यहाँ पे चुकी इनको जाने चाहिए सीधे फेरल के नियमानुसार, ये हमारे घूम गई इधर की ओर यानी भारत की ओर, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा, और सारी की सारी हवाएं आ जाएंगी इधर की ओर। ठीक है, सब हवाएं आ जाएंगी इधर की ओर, और जब इधर की ओर आएंगी तो अब हम समझते हैं इसमें, इतना आपको यहाँ पे क्लियर हो गया कि कैसे कैसे भाई यहाँ पे होता है यहाँ पे प्रोसेस। तो यहाँ पे अब हवाएं जो है एकदम मतलब कि इधर की ओर आने लगी, अब यहाँ से चूंकि हमारे पे जल को उठा लिया है, यहाँ पे जल चूंकि खाली था तो यहाँ पे क्योंकि हवा मतलब कि वाष्प बन के उड़ता जा रहा है, और ये सब जो है हवाओं के माध्यम से उसको सब ढकेल रहा है, ढकेल रहा है, सब हवा लेकर के आएंगी ऐसे, मतलब कि यहाँ पे जल जो है उठ करके ऊपर की तरफ गया, सब जल लेकर के आएंगी यहाँ पे इधर की ओर, यानी सब जल जो होगा हमारा इधर की ओर आएगा। ठीक है, सब हमारा जल क्या होगा इधर की ओर आएगा, और जब सब हवाएं इधर की ओर ही आएंगी तो आने के बाद क्या होगा, अब आपको पता है मैंने भारत में आपको यहाँ पे पूरा यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण पर्वतों को बता रखा है, पर्वत में आपको जब तक पर्वत आपको क्लियर नहीं रहेगा आप, मैं गारंटी देता हूँ कि आप ये सब मानसून के बारे में कभी भी नहीं समझ पाएंगे, तो इसीलिए आप पर्वत वाला जो चैप्टर है मैंने पढ़ा है आप उसको जरूर से देख लीजिएगा, आपको गारंटी देता हूँ आपको क्लियर हो जाएगा वो, उसके बाद आप इसको आसान तरीके से समझ पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पर्वत अब देखिए हमारे कौन सा पर्वत है, तो हमारे यहाँ पे पश्चिमी घाट है, ये हमारा नीलगिरी है, ये हमारे क्या अन्नामलाई और कार्डेमम की पहाड़ी। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पे हो गए पर्वत, तो अब इन सभी पर्वतों पर आकर के क्या करेंगे, धड़ाम से लड़ेंगे सभी, सब क्या लड़ेंगे सब धड़ाम से। ठीक है, यहाँ पे आकर के लड़ेंगे सब, कुछ लड़ करके इधर चले जाएंगे सब, और कुछ हवाएं लड़ करके इधर चली जाएंगी सब। ठीक है, कुछ हवाएं क्या चली जाएंगी सब इधर की ओर, यानी उधर बंगाल की खाड़ी ओर चली जाएंगी सब, और ये हमारा अरब सीमा की ओर चली जाएंगे सब। ठीक है, तो यहाँ पे अरब सागर की ओर जाएंगे सब कुछ, और यहाँ पे चले जाएंगे सब हमारे जो कि बंगाल की खाड़ी, तो आकर के यहाँ पे लड़ी सब, दो बराबर भागों में बांट गए सब। ठीक है, यानी जब हमारे यहाँ पे हवाएं जब आती हैं हमारे पे अरब सागर से, तो यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे दो भागों में क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी यहाँ पे इसमें टकराने के बाद, यानी पर्वतों पर टकराने के बाद, अन्नामलाई का पर्वत, कार्डेमम पर्वत है, यहाँ पे सब यहाँ पे पर्वतें हैं, तो यहाँ पे टकरा करके दो भागों में बढ़ जाएगी। क्लियर, अब देखिए क्या हुआ यहाँ पे कि अब जैसे यहाँ पे टकराएगी, तो मैंने आपको बताया कि जब पहाड़ों पे टकराता है तो क्या होता है भाई, यहाँ पे जब इस पे आ रही है यहाँ से मानसून जो है यहाँ पे बादल खूब लेकर के आ रहा है, टकराएगा तो वर्षा भाई कहाँ पे कराएगा, ये जो हमारा एरिया है वर्षा इतना ज्यादा होगा, यानी जो हमारा केरल वाला जो एरिया है, इस साइड वाला जो केरल वाला एरिया है, यहाँ पे इतना ज्यादा वर्षा होगा जिसके कारण वहाँ की मिट्टी जो होगी वो लैटराइट मिट्टी होगी, और लैटराइट मिट्टी में चाय की खेती, मसालों की खेती, काजू की खेती बहुत बढ़िया होती है, और आपको पता है ये बहुत ज्यादा वहां पे मसालों और चाय की खेती भी की जाती है। ठीक है, तो ये बागानी खेती में बहुत ही ज्यादा होती है, तो सबसे ज्यादा भयानक वर्षा कहां पे होती है, तो यहां पे केरल में होगी, यानी सबसे पहले जो मानसून होगा वो कहां पे आता है, तो केरल में ही आता है, और सबसे मतलब कि एकदम मतलब कि जोरदार जो वर्षा होती है वो हमारे यहीं पे कराता है, केरल में कराता है। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, तो ये हमारे जो कि मूसलाधार यहाँ पे वर्षा होती है, और मूसलाधार वर्षा होने के कारण फिर यहाँ पे जब वर्षा करा लेता है तो इसके जो पीछे साइड जो हमारा तमिलनाडु है, जो पीछे साइड तमिलनाडु है, क्या इसके पीछे साइड में वर्षा होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भाई, क्योंकि इस साइड में हमारा वृष्टि छाया जा रहा है। ठीक है, वृष्टि हमारा छाया जा रहा है, और इधर में हमारे यहाँ पे जो कि वर्षा करा दिया, इसके पीछे साइड में वृष्टि छाया, तो वृष्टि छाया के कारण तमिलनाडु में वर्षा नहीं होता है। तो आपसे क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि किसके कारण जो कि तमिलनाडु में वर्षा नहीं होता है, तो यहाँ पे वृष्टि छाया जो कि इसका सही ऑप्शन होगा। ठीक है, तो वृष्टि छाया के कारण यहाँ पे जो कि तमिलनाडु में वर्षा नहीं होता है। अब देखिए, अब आपको यहाँ बताइए कि आपको इधर का पढ़ा दें कि इधर का पढ़ा दें, कौन सा आपको हवा पढ़ा है, यहाँ मतलब कि जो मानसून है एक इधर मानसून जा रहा है, कोई इधर चला जा रहा है। तो चलिए इसको हम पहले बात कर लेते हैं इधर वाले मानसून को, उसके बाद से हम उसको हमें क्लियर कर लेंगे बाद में। ठीक है, क्लियर करते हैं इसको। तो देखिए यहाँ पे हमारे सब मानसून जो कि अब आएगा इस पर लड़ जाएगा। अब देखिए, तो यहाँ पे जो है वर्षा खूब ज्यादा करा दिया, अब यहाँ पे वर्षा करा दिया तो भाई कब करा है, तो यहाँ पे देखिए जून में हमारे यहाँ पे आया है, लेकिन जून के किस जून में है, तो हमारे पे जून के पहले सप्ताह में ही एकदम आएगा, यानी जो हमारा मानसून होता है वो भारत में कब आता है, तो जून के पहले सप्ताह में ही आता है, और यहाँ पर फिर हमारे पे 15 जून तक आते आते यहाँ तक पहुँच जाता है, और फिर यहाँ पे 15 जुलाई तक पूरे हमारे पे भारत में जो कि मानसून पहुँच जाता है, और फिर यहाँ पे वापस लौटता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे क्लियर करते हैं। तो यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पे आकर किस लड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे हमारा एक जो कि इधर चला जाएगा, एक हमारा इधर चला जाएगा, तो यहाँ पे अब आपको देखना है, तो यहाँ पे जो कि भयानक वर्षा करा देगा, यहाँ पे जो मूसलाधार वर्षा होगी कि यहाँ पे पूरा यहाँ पे केरल में जो कि
चाय की खेती बहुत ज्यादा बढ़िया होगी। तो उसके बाद यहाँ पे ऊपर चलते हैं, तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा, यहाँ पे हम ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, तो ये हमारे जो है, अब भाई इतना नियम थोड़े रहेगा, ये वाला जो हमारा बादल है ये पूरा भाई मानसून बहुत बड़ा ना होता है, अब इतना पतील थोड़े होता है कि इतना है ये देखो मानसून जा रहा है ये इस तरह से मानसून जाता है, नहीं मानसून पूरा एकदम भयानक बढ़िया में एकदम इस तरह से लेके चल जाता है, एकदम पूरा लेके जाएगा एकदम, अब पूरा यहाँ पे मतलब तीन चार जिला वहीं में एकदम आ जाता है, पूरा एकदम एक बार में जाता है सब और पूरा एकदम जाएगा। तो अब यहाँ पे सब एकदम इस प्रकार से जाएंगे सब, आधा इधर अब इसमें आके लड़ गए सब, आधा इधर चलेंगे सब, आधा इधर जाएंगे सब, तो पूरा यहाँ पे इतना भयानक में जाएगा सब। और इस साइड में जितना भी ये एरिया आप देख रहे हैं, यहाँ पे जो भी हमारा कर्नाटक महाराष्ट्र ये जो हमारा एरिया है इस साइड वाला, तो यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे हमारा कौन सा है, यहाँ पे मुंबई है, उसके बाद से रत्नागिरी है, और उसके बाद से हमारे यहाँ पे नासिक है, तो यहाँ पे देखिए इतना ज़्यादा यहाँ पे वर्षा होगा, यहाँ पे कौन सी मिट्टी हो जाएगी, तो लैटराइट मिट्टी हो जाएगी, यानी इस साइड वाला जो भी हमारा एरिया होगा यहाँ पे सारी की सारी जो मिट्टियाँ होंगी वो हमारी लैटराइट मिट्टी ही होंगी। ओके, तो ये हमारा जो कि लैटराइट मिट्टी होगा, तो देखिए अभी हमारे इस प्रकार से आगे की तरफ पड़ेगा, देखिए ये हमारा सब एकदम इस प्रकार से आगे तरफ मानसून बढ़ेगा, और यहाँ पर आने के पश्चात ठीक है, यहाँ पर जैसे हमारे पहुँच जाएगा यहाँ पर लड़ते बढ़ते ठीक है, तो यहाँ पर जब हमारा पहुँच जाएगा तो यहाँ पर ये वाला जो हमारा एरिया होगा, यानी यहाँ से आप देखिए किसको अब देखिएगा तीन गो रास्ता, अब कहेगा कि हम कहाँ पर जाएँ, तो तीन गो रास्ते को दिखाई दे दिया, अब बोलेगा कहाँ पर जाएँ, तो अब देखिएगा कि यहाँ पर तीन तीन गो रास्ता दिखाई दे रहा है, तो अब कोई ना एक ही रास्ता थोड़े चुनेगा, अब देखेगा कि तीन गो रास्ता है तीनों में चलते हैं, क्या हुआ है हमारा अपन पैसा लग रहा है, सब में चलेंगे एकदम सब में जाएगा, यहाँ पे एक बार इधर चला जाएगा, यानी एगो एगो चला जाएगा यहाँ पे, एगो चला जाएगा यहाँ पे, इस पे आकर लड़ जाएगा, और यहाँ पे जब लड़ेगा तो ये हमारा कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा कौन सा, तो यहाँ पे सब वर्षा जो है यहाँ पे करा देगा, इसके बगल में हमारा हो जाएगा वृष्टि छाया, यानी यहाँ पे ये हमारा जो काठियावाड़ का एरिया या फिर इसको यहाँ पे सौराष्ट्र भी कहते हैं, तो काठियावाड़ के एरिया में यहाँ पे हमारा वर्षा जो कि बहुत ही ज्यादा होगा, और यहाँ पे जो वर्षा होती है वो होती ही नहीं है, वर्षा होती है भाई कच्छ में नहीं होती, इसीलिए कच्छ का रन कहते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा यहाँ पे कौन सा है पर्वत है, तो हमारा पर्वत आपको पता ही है, मैंने आपको पढ़ा रखा है भाई गिर पर्वत है ठीक है, तो गिर की पहाड़ी है, तो यहाँ पे लड़ने के पश्चात यहाँ पे बहुत ज्यादा वर्षा करेगा, और इसके बाद ये आगे बढ़ नहीं पाएगा, थोड़ा बहुत इस साइड से जाएगा और इधर मतलब इधर भी चला जाएगा, उस साइड में नहीं होगा वर्षा, यानी इससे मतलब कि अगर बोल रहे कच्छ के रन में वर्षा न होने का कारण क्या है, तो यहाँ पे हमारा कौन सा हो जाएगा, तो वृष्टि छाया हो जाएगा। ओके क्लियर, अब देखिए अब हमारा एक चला जाएगा इधर की ओर, एक हमारा चला जाएगा इधर की ओर, यानी तीन ओर से हमारे पे मुड़ गया है, एक हमारा थोड़ा सा इधर की ओर भी चला जाएगा, चारों में चला जाएगा ठीक है। तो यहाँ पे जब सब चला जाएगा, अब इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि यहाँ पे अब देखिए थोड़ा यहाँ पे अब यहाँ से हम जब स्टार्ट करेंगे ना, तो सब एकदम यहाँ पे ले लेंगे, जितना भी मानसून होगा इसको भी देख लेंगे, इसको भी देख लेंगे, तो बस आज की शूट में इतना रह देते हैं, थोड़ा स्पेस भी प्रॉब्लम है तो इसीलिए आप समझ रहे होंगे ठीक है। तो बस आज की शूट में इतना रह देते हैं, यहाँ तक आपको एकदम क्लियर हो गया होगा, अब इसके बाद हम यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे यहाँ पे चार भागों में जो कि बढ़ जाएगा, तो ये आपको क्लियर, ये तीन जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, उसके बाद ये वाला जो हमारे बचे हुए इसको यहाँ पे इसको और इसको दोनों हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे, तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे, तो आप नेक्स्ट वीडियो से देख लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक वंदे मातरम।